पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी, ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। तब माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हो इसको लेकर ही चिंताएं होती थी। अगर एक दिन शांति से गया तो अखबार में बड़ी खबर बन जाती थी। आज स्थिति एकदम बदल गई है। आज जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। इसलिए आज जम्मू और कश्मीर के चप्पे चप्पे में भी एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए।
याद है ना, मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी, गरीब को दो वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक जम्मू कश्मीर के कितने ही गांव थे जहां बिजली, पानी और सड़क तक नहीं थे। आज गांव गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के 75% से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, ये डिजिटल का जमाना है, डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए, मोबाइल टावर दूर सुदूर पहाड़ों में भी लगाने का बड़ा तेज अभियान चलाया है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आप याद कीजिए, कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे, लेकिन हमारे हक्का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। इससे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फायदा हुआ है। यही नहीं, इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली।